तो वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को जल्द टूटी सड़कों से निजात मिलने वाली है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक सड़कों पर उतरे और पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों के हर मीटर का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के बाद पीडब्ल्यूडी को इन सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने का लक्ष्य दिया गया है। सोमवार सुबह 6 बजे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सौरभ भारद्वाज ईस्ट दिल्ली पहुंचे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सीएम आतिशी को सड़कों की हालत को लेकर चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की ऑल मिनिस्टर मीटिंग में दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण कर उन्हें ठीक करने का फैसला लिया गया। इसके बाद सीएम आतिशी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अगले एक हफ्ते में दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण होगा, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी को इन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य दिया जाएगा। आतिशी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में एक चिट्ठी दी और कहा कि युद्ध स्तर पर सड़कों को ठीक किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया और ये निकला कि दिल्ली की सड़कें, जैसा आप सबको पता है, बहुत बुरे हाल में है, जगह जगह टूटी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी किया। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड में उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और मुकेश शहरावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस समय सुबह 6:30 बजे दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले एक हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहां पे एनएसआईसी मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहां पर बीएसईएस की लाइन डली। बीएसईएस की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा।